आप आ जाइए। ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ये बताओ कि मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी चाहिए? फाइव लीटर टू सिक्स लीटर ये चाहिए किसमें? मेल में। और फीमेल में कितना चाहिए? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सेवन परसेंट ऑफ बॉडी वेट नहीं तो पुरुषों का एवरेज वजन कितना होता है? 70 केजी। तो 70 केजी इंटू 7% कितना हो जाएगा? 4 केजी जो लगभग 5 लीटर हो गया। महिलाओं का एवरेज वेट तो 60 केजी ऑफ 7% कितना हो जाएगा? 2 केजी जो लगभग कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर हो जाएगा। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना चाहिए? 7.4 चाहिए, ठीक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। आप बताओ कि नवजात ये गर्भस्थ शिशु जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? गर्भस्थ शिशु में मेजोडर्मा में या लीवर में या स्प्लीन में, ठीक है। सबसे पहले ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? मेजो डर्मा में। बच्चा जब मां के घर में रहेगा तो सबसे पहले कहां होगा? उसके बाद लीवर में, उसके बाद वह पूरी जिंदगी बोन मैरो में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ पूछना है? मेजो डर्मा क्या है? चलिए ये बता दें आपको। देखो, ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। दोनों का निषेचन होगा तो क्या होगा? जाइगोट बन गया।
अच्छा ये हमको ये बताइए कि ये जायगोट बनता कहाँ है? कहाँ बनता है ये जायगोट? बनता है फेलोपियन ट्यूब में। कहां बनेगा यह? फेलोपियन ट्यूब में। अभी फेलोपियन ट्यूब में जब जाइगोट बन जाएगा ना, तो यह 10 सप्ताह के बाद मां के यूटेरस में आएगा। फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आने में इसको कितना दिन लगेगा? 10 सप्ताह। ठीक है, अब इसी दरमियान यह जो जाइगोट है, यह जाइगोट क्या होगा कि यह 32 सेल का बनेगा। ये कंप्लीट एक सेल हो गया। एक सेल के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16 के बाद 32, नहीं 32 के बाद ये 64 बनता है। ये जो सेल बना ना, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टो सिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया। और इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये क्या होगा कि यह कई लेयर का बनेगा, जेली जैसा। इसमें 3 लेयर होगा। सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा ना, उसको कहोगे एक्टोडर्मा। बीच वाला जो लेयर होगा ना, उसको कहोगे मेजोडर्मा। और अंदर वाला जो होगा ना, उसको कहोगे एंडोडर्मा। यही 3 लेयर से पूरा शरीर का अंग बनता है। तो यह मेजोडर्मा सबसे पहले बनाएगा ब्लड, तब बनाएगा हार्ट, हृदय। अब हृदय काम करने लगा, जैसे ही हृदय काम करने लगेगा तो बन जाएगा लीवर। लीवर के बाद बनेगा स्प्लीन। स्प्लीन के बाद इस तरह से यह बनता जाएगा पूरा शरीर। नहीं, ये जो देख रहे हो इंडोडर्मा, इससे बनेगा सारा इंटरनल ऑर्गेन, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, किडनी, ये सब बनेगा। किससे बनेगा? आई जो एक्टोडर्मा है, इससे बनेगा त्वचा, मांस और जनन अंग। किससे बनेगा? एक्टोडर्मा से। अच्छा, ठीक है, तो इसी से ये सब बनता है। तो पता चला कि मेजोडर्मा क्या है सो? ठीक है, तो यहां कैगो क्वेश्चन आपका बन गया। नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन कि जाइगोट बना कहां? फेलोपियन ट्यूब में बना ना। और सबसे पहले बॉडी में क्या बना? ब्लड के बाद हार्ट। नहीं, अब हृदय काम करना शुरू कर देता है। नहीं, हार्ट काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही मेजोडर्मा है। नहीं, तब जाकर ही
यूटेरस में चला जाएगा। जब यूटेरस में जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से प्लासेंटा निकलेगा और यहाँ से एम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगा, और तब बच्चा ये धीरे 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 ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, बाहर आएगा तो नवजात शिशु कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया मेजोडर्मा क्या है? सो हम लोग के बॉडी का निर्माण जो होता है कितने लेयर से ना, ट्रिपल लेयर हम लोग का, और इसी तीन लेयर से होता है। ठीक है, मिटाए। हो गया, अब पार्ट्स ऑफ ब्लड ये बताइए कि हमारे ब्लड में कितने भाग है? ब्लड में कितना भाग? दो भाग, एक सॉलिड पार्ट है हमारे ब्लड में और दूसरा है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट्स और दूसरा है सॉलिड पार्ट। ठीक है, हमारे ब्लड में जो सॉलिड भाग है वही हमारा लिविंग भाग है, सजीव भाग है। तो जो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसको कहोगे ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी हो गया रक्त कणिकाएं। ब्लड के सॉलिड भाग को क्या कहोगे? ब्लड कॉर्पसल्स। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या कहोगे? प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? 55 से लेकर 60 प्रतिशत ऑफ ब्लड। ब्लड जितना ब्लड हमारे बॉडी में है ना उसका 55 से 60 परसेंट कौन है, और इसका प्रतिशत कितना हो गया? 40 से 45 प्रतिशत ऑफ ब्लड।
ठीक है, ये जो ब्लड कार्पसल्स जो देख रहे हो, ये ब्लड कार्पसल्स ये तीन प्रकार का होगा। इसमें ब्लड कार्पसल्स में कितने चीज पाए गए? तीन चीज पाए गए। एक का नाम है आरबीसी, दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरा का नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ठीक है। उसी तरह से ये जो प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा में भी आपको देखिएगा क्या कि वाटर का परसेंट है 90 से लेकर 92% ना, और इसमें प्रोटीन का परसेंट प्रोटीन फाइव टू सेवन परसेंट नहीं, 5 से 7% कौन पाया गया? प्रोटीन। बाकी जो बचेगा वो उसका 1-2% बच गया नहीं। ब्लड में जो प्रोटीन पाया गया वो प्रोटीन देखो तीन प्रकार के। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन? एक प्रोटीन का नाम है अल्ब्यूमिन, ठीक है। इस प्रोटीन का काम क्या है भाई? रक्त में जल की मात्रा को बनाए रखना, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटीन पाया गया उसका नाम जानते हो क्या है? ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और तीसरा का नाम है फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना। ये जो देख रहे हो ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन नामक जो प्रोटीन है यही क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और ई क्या करेगा? रक्त को थक्का बनाएगा। फाइब्रिनोजिन किस काम के लिए? ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन नहीं, ये क्लियर हुआ? हाँ? आप बताइए प्लाज्मा
प्लाज्मा का कार्य क्या है? है? प्लाज्मा का कार्य पचे, भोजन हार्मोन्स इत्यादि का परिवहन करना, नहीं ये प्लाज्मा का काम है। हो गया? आरबीसी का फुल फॉर्म समझ रहे हो? हाँ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नहीं डब्ल्यूबीसी का, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। हिंदी में क्या पढ़ोगे इसको? लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। अब प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहोगे? इसको कहोगे बिंबाणु, ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको कहोगे लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है? इस आरबीसी का रासायनिक नाम जानते हो क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या पढ़ोगे इसको? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो ये नाम क्यों पड़ा। देखो इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, कोशिका, याद रखिएगा। तो इसलिए ये लाल हो गया। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, नहीं ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट्स मतलब कोशिका। थ्रोम्बो का मतलब होता है बड़ा, साइट्स मतलब कोशिका। ठीक है? याद करो ना, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ाए होंगे। ल्यूकोप्लास्ट किसको कहते थे? सब भुला गया सब। प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे ना जी। तो ल्यूकोप्लास्ट किसको कहा जाता था? अवर्णी लवक, नहीं है? सब पढ़ा दिए थे ना, पढ़ाया हुआ चीज भूलिएगा तो दिक्कत ना होगा। हो गया? उतार लिए? तो ब्लड में दो भाग, लिक्विड भाग और सॉलिड भाग। ज्यादा कौन भाग है? ब्लड में ज्यादा कौन है? उस लिक्विड भाग का नाम क्या है? प्लाज्मा। कितना प्रतिशत? 55 से। प्लाज्मा लिविंग पार्ट है कि नॉन लिविंग पार्ट? और सॉलिड पार्ट क्या कहोगे?
हाँ उसको क्या कहिएगा? ब्लड कार्पसल्स, क्या कहेंगे? और हमारे शरीर में कितने तरह के ब्लड कार्पसल्स हैं? कौन कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, यहां तक समझ बात आ गई? अब बताओ कि थ्रोम्बोसाइट किसको कहेंगे? एरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स। तो अगर अब परीक्षा में अगर दिया रहे आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं दिया रहे और कहीं इरिथ्रोसाइट्स लिकोसाइट दिया रहेगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ तो एंटीबॉडी कहां पर रहता था? नहीं तो ये ना निकाल के दे देते थे कि ले लो। डेंगू, वही डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता है ना, डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता था। और जो प्लाज्मा थेरेपी कहते थे, तो जब बैक्टीरिया हमारे या वायरस हमारे बॉडी में आया तो एंटीबॉडी बनाया ना, अब हमारे एंटीबॉडी बन गया। आइए ले जाइए। बहुत पहले गांव में सलाई नहीं रहता था, तो लोग घरे घरे घूम कर लोग क्या करता था, थोड़ा सा आग दीजिएगा, आग दीजिएगा, आग लेकर लोग बांटता था। नहीं तो उसी तरह से जिसको डेंगू हो गया ओकरा शरीर में तो आग लगल है, अब वही आग थोड़ा 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 मांगते, तो वही प्लाज्मा है। नहीं तो एंटीबॉडी कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में रहेगा। नहीं तो यही एंटीबॉडी लेके जब शरीर में डाल देते हैं तो फिर वो अपना बना लेता है। नहीं चलिए ये कहानी आपकी हो गई। अब एक सारणी आपको बना देते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो ये हो गया निर्माण स्थल। आरबीसी का निर्माण कहां होगा? तो
रेड बोन मैरो में, ठीक है। डब्ल्यू सू का निर्माण कहां हुआ? व्हाइट बोन मैरो में, ठीक है। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहां हुआ? बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी का आकार देखो कैसा है, ठीक है ना। तो आरबीसी का आकार है दुई अवतल एवं गोल, ठीक है। दुई अवतल का अंग्रेजी बाई कॉन केव ना, ठीक है। ये जो देखोगे ना तो ये जो होता है वो ऐसे होता है, बीच में धसल है ना, नहीं ठीक उसे ही होता है। जैसे बाबा धाम का पेड़ा देखे हो सब, या गोल गोल है, इसका आकार कैसा है? अमीबा की तरह आकारहीन, आकारहीन है, यानी कि यह शेपलेस नहीं है, कोई शेप नहीं, किसी भी आकार का हो जाएगा, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? गोल या अंडा कार। इसमें केंद्रक अनुपस्थित, ठीक है, लेकिन अपवाद में लिख लेना ऊंट और लामा। अपवाद क्या हो जाएगा? ऊंट और लामा। इसमें केंद्रक उपस्थित, ठीक है, इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित, जीवन काल बीस दिन से लेकर 120 दिन, इसका जीवन काल 5 घंटा से लेकर 5 दिन, ठीक है। और इसका 3 दिन से लेकर 5 दिन, इसको आप लोग कर लीजिएगा 7 दिन, 1 सप्ताह, 5 घंटा से लेकर 7 दिन। इसकी मृत्यु जानते हो कहां होगी? हाँ, किसमें? स्प्लीन। कहां मरेगा? स्प्लीन ना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? प्ली, हा, ठीक है। यही कारण है ना कि इसको कब्रगाह भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा गया?
इसका मृत्यु कहां होगा? ब्लड में। इसका भी मृत्यु कहां हो गया? ब्लड में ही मर जाएगा। ठीक है, इसकी संख्या कितनी? फाइव फाइव मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड नहीं, अब महिला जब होगी तो 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन, ये महिला में। ठीक है ना, इसमें कितना होगा? 8000 से लेकर 10000 ना पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड, और इसका हो जाएगा 2 लाख से लेकर 3 लाख पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड महिला पुरुष में बराबर। ठीक है, इसका कार्य क्या है? O2 एंड CO2 का परिवहन, इसका कार्य रोग निरोधक क्षमता देना, इसका काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना। रोग निरोधक क्षमता देना, ठीक है। चलिए अब नोट में लिखिए, तो आकार में सबसे बड़ा आरबीसी उभयचर प्राणी मेंढक में होता है।
उभयचर प्राणी मेंढक में होता है। नीचे लिखो, आकार में सबसे छोटा आरबीसी कस्तूरी नामक हिरण में होता है। नेक्स्ट नोट लिखो, मृत आरबीसी का विघटन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड आरबीसी मृत आरबीसी का विघटन विघटन लीवर में होता है। हो गया, आरबीसी मरा कहां? आरबीसी मरता कहां? हाँ, पिला में, स्प्लीन में ना। मरा कहां? स्प्लीन में। अब मरने के बाद ये जब आरबीसी पहुंच जाएगा किस में? ये मृत आरबीसी, ठीक है, कहां पहुंचा? लीवर इसको क्या करेगा? तोड़ देगा। दो चीज में तोड़ दिया, जानते हो किस किस में तोड़ देगा? बिलीरुबिन में और यूरोक्रोम में। किस में तोड़ देगा? बिलीरुबिन और यूरोक्रोम। क्या पढ़िएगा इसको? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, हाँ, बिलीरुबिन, हाँ, और यूरोक्रोम में। ये कहां से प्राप्त हुआ? आरबीसी के टूटने से ना, आरबीसी के विघटित होने से, ठीक है। यही बिलीरुबिन के कारण पीत में पीलापन और इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र में पीलापन, और ये ज्यादा बढ़ गया तो ज्वंडिस हो गया। तो ज्वंडिस रोग में हम लोग किसका टेस्ट करवाते हैं? बिलीरुबिन का। नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे, जब बिलीरुबिन टेस्ट करा के आइए ना, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि लीवर कैसा है। नहीं, फिर नीचे लिखो, आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा
पुरुष में कितना होगा जी? हाँ? पुरुष में पंद्रह ग्राम, कितना ब्लड में? सौ एमएल ब्लड में, और महिला में चौदह ग्राम, कितना ब्लड में? सौ एमएल ब्लड में। हो गया? अब लिखो, बयालीस सौ से ऊपर जाने पर बयालीस सौ से ऊपर जाने पर लगभग 30% लगभग 30% आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। हो गया? फिर नीचे से लिखो। हाँ, ऊपर चाहिएगा ना, पहाड़ी क्षेत्र में। तो 4200 मीटर, हाँ 4200 मीटर से ऊपर ना जाने पर आरबीसी की संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 30% तक ना। अब लिखो, निंद्रा अवस्था में, निंद्रा अवस्था में, निंद्रा अवस्था में पांच प्रतिशत तक आरबीसी की संख्या घट जाती है। हो गया? देखो, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में लोग हैं, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, मैदानी क्षेत्र से वहां के लोगों में आधा से एक लीटर ब्लड ज्यादा होता है। घोड़ा नहीं, लाल लाल रहता है, सेव की तरह। इसका कारण है कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, तब ना इसकी संख्या बढ़ जाती है। घर में पानी का स्कार्सिटी होगा तो बाल्टी की संख्या बढ़ाओगे कि घटाओगे? तो जहां ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी। तो वहां ऑक्सीजन कम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बना लेंगे, ढोते रहेगा नहीं, इसलिए वहां के लोगों में अलग होता है। नहीं, अगर कभी जाओगे जम्मू एंड कश्मीर में, या ये नहीं होते हैं लोग, इनकी मंदिर है वहां वैष्णो देवी है, तो देखते हो खच्चर ले जाने वाला जो होता है ना, आपको ऊपर बैठा देता है और अपने चढ़ के चल जाता है। वो आदमी है, हम भी आदमी है, हम नहीं चढ़ पाते, वो कैसे चढ़ पाता है भाई? तो चूंकि आप थक जाते हैं, इसलिए कि आपके अंदर आरबीसी कम है, और यहां आरबीसी ज्यादा है, इसलिए आपको ऑक्सीजन की कमी होती है तो थकावट हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं। अब उस सब में थकावट नहीं होती, चूंकि ओकरा में ज्यादा होता है। नहीं,
कभी कोनो बच्चा के साथे दौड़े हो? दौड़ोगे तुम हाँफ रहे कर रहे आ खड़ा हो गए हे कर रहा नहीं ओकरा थकावट कह नहीं हो भाई, क्योंकि आपसे ज्यादा ओकरा में आरबीसी है ना, वो तुरंत एनर्जी पैदा कर लिया और आपका अभी सांस लेकर ऑक्सीजन भरिएगा तब एनर्जी बनेगा तब काम चलेगा नहीं। इसलिए एनर्जी बनाने के लिए आपको भरना पड़ेगा, ये क्लियर है। अब आप हमको बताइए कि पूरे ब्लड में कौन ब्लड कणिका आकार में छोटा परंतु संख्या में ज्यादा हो? आकार में छोटा परंतु संख्या में सबसे ज्यादा हो? आरबीसी आकार में सबसे छोटा और संख्या में, कौन ऐसा है जो आकार में सबसे बड़ा और संख्या में सबसे कम हो? प्लेटलेट्स कि डब्ल्यूबीसी दे ना, डब्ल्यूबीसी 10,000 ना नहीं, तो आकार में सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा आरबीसी, आकार में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी नहीं। उका 5 मिलियन मतलब कितना हुआ? 50 लाख नहीं, आरबीसी 50 लाख है, डब्ल्यूबीसी 8-10 हजार, ये हजारे में नहीं। अब आपको बता दें ब्लड ग्रुप, ये बताओ ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर, यही इसके खोजकर्ता थे और इनके चेला भी थे, शिष्य भी थे ना। कार्ल स्टीनर के कुछ शिष्य थे, उनका नाम आपको हम यहां पर लिख देते हैं। एक का नाम था वीनर, दूसरा का नाम था डी कास टेलो, तीसरा का नाम था एस्टर ली, ठीक है। ये सब कार्ल स्टाइनर के चेला थे। कार्ल स्टाइनर ने, ये सब चेला का अलग अलग काम है नहीं, तो कार्ल स्टाइनर ने किसको खोजा, कैसे खोजा? तो इसने देखा क्या कि ब्लड में क्या पाया गया, एगो प्रोटीन, वो प्रोटीन का नाम क्या था? ग्लोबुलिन था ना, ये ग्लोबुलिन क्या करता है कि दो चीज बनाता है, एक एंटीबॉडी और दूसरा एंटीजन। क्या बनाएगा? एंटीजेन, और जैसा एंटीजेन होगा उसका उल्टा बनाएगा एंटीबॉडी। एंटीजेन जैसा रहेगा ना उसका उल्टा क्या बनेगा? एंटीबॉडी। तो एंटीजेन दो प्रकार के पाया गया, एक एंटीजेन ए, दूसरा एंटीजन बी। तो जिसके ब्लड में एंटीजन ए होगा उसमें बनेगा स्मॉल बी, अगर एंटीजन बी रहा तो क्या बनेगा?
एंटीबॉडी ए। एंटीजन जानते हो कहां रहेगा? आरबीसी पर। और एंटीबॉडी कहां रहेगा? है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां पाया जाएगा? अभी ना बताए थे जी, प्लाज्मा थेरेपी में नहीं, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में, एंटीजन आरबीसी पर। ठीक है, आरबीसी तो सेल है ना, उस सेल के ऊपर कौन पाया गया? एंटीजन। प्लाज्मा, ये एंटीबॉडी कहां पाया गया? प्लाज्मा में। एक ही तरह का एंटीबॉडी और एक ही तरह का एंटीजन रह सकता है? कभी नहीं रहेगा। अगर रख दिया जाएगा तो ब्लड चिपचिपा होके बेकार हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको ए और ए नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं, ठीक है। तू कार्ल लंडस्टीनर जो थे ना, वो का कहे कि देखो, जिसमें एंटीजन ए रहेगा ओकरा में एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी रहेगा ना, तो उसका ब्लड ग्रुप नाम रख देना ए बी ना, ए बी ए, तो ब्लड ग्रुप हो गया। ये हो गया एंटीजन और ये हो गया एंटी बॉडी। तो क्या कहे कि अगर एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? एंटीजन बी रहा तो एंटीबॉडी। ठीक है, तो कार्ल लंडस्टाइनर कहा कि जिसमें एंटीजन ए होगा उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखोगे? इसका नाम क्या रख दोगे? बी। तो ये तीनों शिष्य में से पूछा सब कि अच्छा जेकरा में नहीं रहेगा, तो कहे कि अगर एंटीजन नॉन, नॉन मतलब, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों, एंटीबॉडी क्या रहेगा उसमें? तो उन्होंने क्या कहा कि जिसमें एंटीजन ए उसका ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं है उसका ब्लड ग्रुप क्या लिखे? ओ कह कहेंगे, कौन ओ है? बी है तो बी है, ए है तो ए है, यहां था ना, हाँ ये तो जीरो है, ये क्या है? लेकिन तुम पढ़ते क्या हो? कहा है? एक आदमी गया डॉक्टर, यहां ब्लड टेस्ट कराया, डॉक्टर साहब कह दिए अरे तोहर ब्लड ग्रुप तो बी है, ओकरा साथे जो दूसरा गया ओकरा कह दिया तोहर ब्लड ग्रुप तो जीरो है, वहीं पर बेहोश हो जाएगा। तो कहा गया कि तुम पता लगाओ कि जीरो की तरह कौन है। ओ नहीं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ओ ये तीन को बात कौन कहे? तब तक ये जो दोनों शिष्य थे ये निचल का, ये कहे कि सर एक आदमी तो ऐसा है जेकरा में दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तब कहेगा कि तब एक काम करो, अगर एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, तो वैसे ब्लड ग्रुप का नाम क्या रख दोगे? अब आप हमको बताइए, अब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा,
रक्त समूह निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, एंटी बॉडी पर, एंटी जेन पर, दोनों पर, हड्डी में पीएच मान पर। क्या होगा इसका आंसर? किस पर निर्भर करेगा? दोनों पर, केवल एंटीजन पर। दूसरा क्वेश्चन बताओ, कार्ल लैंडस्टाइनर ने जो ब्लड ग्रुप खोजा, वो ब्लड ग्रुप का नाम क्या था? ए बी था, या ए बी ओ था, या ओ ए बी था? कौन था ये तीनों में से? ए बी ये था। ये था ए बी ओ। कौन ब्लड ग्रुप था? ए बी ओ। तो ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोया? डी कास्टेलो स्टर्ली ने। तो यह बीपीएससी का क्वेश्चन है कि पूछेगा कि बताइए कि ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा? तो ई कौन ब्लड ग्रुप को खोजा? ए बी ब्लड ग्रुप को खोजा। हो गया, चलिए आज इतना ही रखिए। तो कल बताएंगे आप लोगों को, कल यानी मंडे को, पॉजिटिव ब्लड क्या होता है, निगेटिव ब्लड क्या होता है। और सुन लो सभी को बात, उसी दिन आप लोगों को बता देंगे कि जिस लड़का का ब्लड अगर पॉजिटिव है, वो कौन किस तरह के